चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो होए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तख्त, लाल आगे आए बैठे इन तख्त। श्री महामति कहे ए मोमिनो, सुनियो एह बीतक, आगे फेर कहत हो जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। संवत 1773 हुक्म हुआ श्री राज, सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। आज वितक का 10वां दिन, अक्षरातीत धामधनी स्वयं लाल दास जी के अंदर बैठते हुए वितक की इस चौपाई को लिख रहे। आज जिस प्रकार से इस ब्रह्मांड में हम आ चुके हैं, ये स्वाभाविक है कि हम एक मनुष्य तन के अंदर बैठे हुए हैं। स्वाभाविक ये भी है कि हमारी जो बुद्धि की प्रक्रिया है उससे हम सोच सकते हैं, और स्वाभाविक ये भी होना चाहिए कि जो बुद्धि हमें दिया गया है उसके द्वारा हम सत्य को पाएं। सत्य को पाने के लिए जब ये बुद्धि का कार्य कराया जाता है, तब मन में अनेकों प्रश्न उठ सकते हैं। मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि परमात्मा कैसा है, परमात्मा कहाँ रहता है, और परमात्मा किस प्रकार से दिख सकता है। लेकिन आज इस बुद्धि को अनेकों लोग एक संसारिक बुद्धि के भांति चला रहे। ये सोचना सार्थक है कि जिस प्रकार से एक पुत्र है उसका एक पिता है, संसार में उस पिता का भी एक पिता होता ही है। तो इस क्रम के दौरान लोग ये सोचने लग गए हैं कि जिस प्रकार इस धरती पे भगवान है, उस भगवान के ऊपर और दूसरे भगवान होंगे, और जो भगवान के और ऊपर होंगे वो परमात्मा होंगे, और उस परमात्मा के ऊपर भी और भी परमात्मा हो सकते हैं। इस प्रकार से इस मानवीय बुद्धि में ये ज्ञान आ रहा है, जिसके कारण से लोग भ्रामक जिंदगी जी रहे हैं। तो इस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हम जाने कि परमात्मा सिर्फ एक है या अनंत है। तो इसको दौरान ये कह दिया जाता है कि गीता के 15वें अध्याय में 16वें और 17वें जो श्लोक है उसमें कहा गया है कि द्वाभिमौ पुरुष लोके चरश्चा क्षरये वच। जो श्लोक के द्वारा हम पूर्व में ही ये बात कर चुके हैं कि दो पुरुष जो क्षर और अक्षर है, और उससे भी परे जो पुरुष है वो उत्तम पुरुष है, और उसी को परमात्मा कहा जाता है। तो इसीलिए हमें कभी भी उस परम पुरुष के भी ऊपर ये कल्पना नहीं करना चाहिए कि वहाँ पे और भी उत्तम पुरुष हैं। उसी प्रकार से हम ये सोचते हैं कि जो देवचंद्र जी हैं उसके अंदर ईसा मसीह लीला करते हैं। अनेकों लोग इस प्रकार से ये दावा करते हैं कि हो सकता है कि ईसा मसीह और देवचंद्र जी एक हैं, लेकिन ये जो अर्थ लगाया जा रहा है वो कहाँ से लिया जा रहा है, किस प्रकार से हम बताया जा रहा है कि ये चीज़ें मायने रखते हैं या समानता दिखता है, तो हम ये चीज़ का जाड़ और पड़ताल करें, तब जाकर हम देवचंद्र जी का मायने रख सकते हैं। रसूल किसको कहा जाता है, रसूल उसी को कहा जाता है जो संदेश वाहक हो, लेकिन देवचंद्र जी यहाँ पे रसूल नहीं है, वो संदेश वाहक नहीं है, उनके अंदर साक्षात धामधनी आकर बैठे हुए हैं, और चौथे दिन की लीला में वो स्वयं धनी श्री देवचंद्र जी कहकर पुकारा जा रहा है। तो इस प्रकार से जो लीला चल रहा है, आज समाज में देवचंद्र जी को एक सिर्फ गुरु मान लिया जाता है, तथा स्वयं जो मिहिराज जी जिसके अंदर स्वयं प्राणनाथ जी लीला करेंगे उनको एक शिष्य के रूप में देखा जाता है। आज इतने प्रकार से जो कसनी कर रहे हैं,
आज जो यहाँ पे धनी श्री देवचंद्र जी के द्वारा जो आदेश किया गया है, अब मिहिरराज जी 1703 का वो संमत है, अब वो खेता भाई के पास जाने के लिए तैयार होते हैं। खेता भाई के पास जाने के लिए उनको अनेकों बाधाएं पार करना पड़ता है। उस समय ना उस प्रकार के हवा जहाज थी जो आज है, ना उस समय में वो ट्रेन था जो आज है। वहाँ पे वो सिर्फ एक पानी से होते हुए उनको जाना पड़ता था। 40 दिन का रास्ता है उनको पार करते हुए, तब जाकर वो खेता भाई जी से मिल सकते थे। लेकिन वो कष्ट उन्होंने क्यों उठाया? बस इसीलिए क्योंकि सुंदर सात की जागनी करना है। धाम धनी देवचंद्र जी ये देखते हैं कि सुंदर सात के जागने के लिए जो धन चाहिए वो खेता भाई जी के पास है, और जो गांगजी भाई जी के भाई हैं वो 25 साल तक अपने परिवार से दूर रहकर उन्होंने धन कमाया है। लेकिन वो धन यदि सत्यता में काम आए, धर्म में काम आए, तब जाकर कुछ उनका भी लाभ होगा, और ये जो समाज है, जो धर्म के पथ पर जो लोग जाना चाहते हैं उनका भी लाभ होगा। तब जाकर मिहिरराज जी को वो उस अरब धरती की ओर भेजते हैं। 40 दिन की यात्रा करने के बाद जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं, वो एक पत्र देते हैं और खेता भाई उनको स्वीकार कर लेते हैं। जो भी व्यवसाय वो करते हैं, अब वो सब व्यवसाय उनके हाथों में सौंप दिया जाता है। 4 बरस तक वो वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे उनको समझाया जाता है, उनको तारतम ज्ञान के द्वारा बताया जाता है कि तुम कौन हो, तुम्हें जाना कहाँ पे है और तुम्हारा सत्य घर कहाँ पे है। लेकिन जो बेहद के हैं वो क्या करेंगे? वही तारतम ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं और वही इस सत्य ज्ञान को ग्रहण करते हुए उस परम धाम तक जा सकते हैं। लेकिन जो परम धाम के उस वाहदत के खेल से नहीं आए हैं, उनको इस ज्ञान से कोई लेना देना नहीं होता, ना उनके हृदय में ये ज्ञान चोट करती है। तो यहाँ पे धाम धनी कहते हैं, रोए हो दुनिया बाबरी को तू क्यों पुकारे? ये क्या है? ये सब लोग सियाना है जो तुम्हें यहाँ पे आज तुम सबको समझाते चलते हो, वो लोग कौन है? वो पूर्णतया से ज्ञानी लोग है, विद्वत जन है, और वो अपने आप में संसार में विद्वान के रूप में चिने जाते हैं। वो मूर्ख नहीं है और वो मदमाती माया की छाके, ये माया में इतना रम चुके हैं कि तुम्हें जितना भी तुम प्रवचन कर लो, जितना भी तुम उसको समझा लो, लेकिन करने वाले वो क्या है? अपने मन की मानी, वो मन के ही मानने वाले हैं, ना कि जो तुमने जागृत ज्ञान दिया है उसको वो मानेंगे। लेकिन आज समाज में हम जिस प्रकार से धामधनी यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, स्वयं को ना जगाते हुए हम दूसरे को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, हम दूसरे की वो दीपक को जलाना चाहते हैं जो कभी जला ही नहीं था, और खुद के जो दीपक है वो भी हम जला नहीं पाए, तब जाकर यहाँ पे हम ये सोचते हैं कि हम क्यों दूसरे के दीपक को नहीं जला पाते हैं। लेकिन धाम धनी स्वयं कह रहे हैं कि जब तक तुम स्वयं को नहीं जगा लेती, तब तक तुम दूसरे को नहीं जगा सकते। तो इस प्रकार से धाम धनी यहाँ पे पुकार के कह रहे हैं कि जो वचन है, वचन जो है पार के पार, क्यों वो सुने? जो ये संसार के लोग हैं, हद के संसार के लोग हैं, जो वचन आया हुआ है तारतम ज्ञान, वो कहाँ का है? ये पार के भी पार का है, जो योग माया के ब्रह्मांड से अक्षरधाम से परे का ज्ञान। तो ये ज्ञान क्यों इस हद के संसार के लोग लेंगे? तब जाकर ये ज्ञान इस प्रकार से बढ़ावा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये ज्ञान के महत्व ब्रह्म सृष्टि समझ ले, जो आज दिन तक ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद भी इसको ग्रहण ना करके इसके महत्व को नीचे गिराते जा रहे हैं। तो इसीलिए धाम धनी यहाँ पे इस चौपाई के द्वारा कुछ समझाते हुए अब जो यहाँ पे कुछ बातें होती है वो कहते हैं। खेता पहुंचा अपने ठोर को मौत हुआ तब। तब जिस प्रकार से वहाँ पे समय तो गुजरान हो रहे हैं, 4 वर्ष का समय कम नहीं होता,
धाम धनी से बिछोड़ भी है, एक पीड़ा भी है कि मैं अपने धनी श्री देवचंद्र जी के पास नहीं हूँ। दूसरा पीड़ा ये है कि मैं जिसके जागने के लिए आया हूँ वो आज जाग नहीं रहा, उसको जितना भी तरीके से समझाया जाए वो सुन नहीं रहा। हमने पहले भी कहा है कि जीव के अंदर कौन सी बुद्धि रहती है, जीव के अंदर ये स्वप्निक बुद्धि रहती है और वो स्वप्निक बुद्धि के अंदर वो मोह रहता है, वो माया रहता है जो स्वयं आदि नारायण के द्वारा चलाया जा रहा है। जब आदि नारायण ये नहीं चाहते और आदि नारायण के पास भी ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो वो जीव किस प्रकार से इस ब्रह्म ज्ञान को धारण कर सकता है। तो इसीलिए जीव जो खेता भाई के अंदर है वो इस चीज़ को नहीं ले रहा है, वो बस यही चाहता है कि किस प्रकार से ज़्यादा धन कमाऊँ और किस प्रकार से मैं अपने शरीर को खुश रखूँ। तो इसीलिए अब मिहिरराज जी दुखी हैं, लेकिन क्रम है, समय है और समय के साथ साथ ये निश्चित है कि मृत्यु आना ही है, समय के साथ साथ ये जो श्वास है वो जाना ही है। तो इस प्रकार से अब जो खेता भाई हैं उनके श्वास अब निकल गया। भले ही वो सोचते होंगे कि मैंने जो धन कमाया था उसका मैं लाभ लूँगा, लेकिन ये कभी संभव नहीं है। जो हमने कमाया है कोई ना कोई और भोग करता ही है, जो हमने परिश्रम किया वो कोई ना कोई और खा ही लेता है। वो एक माता है जो क्या करती है, एक वृक्ष रोपती है, एक पेड़ रोपती है। बच्चे आते हैं और कहती हैं, माता तू तो बुढ़िया हो चुकी है, अब थोड़े दिन के बाद तू मरने वाली है, लेकिन ये जो पेड़ लगा रहा है आम का तू क्यों लगा रही। तो वो बुढ़िया औरत यही कहती है मुस्कुराते हुए कि भले ही मैं ना खाऊं, तुम लोग तो हो, तुम लोग तो खाओगे। तब जाकर वहाँ पे आदर का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पे सिर झुकता है। उसी प्रकार से यदि खेता भाई भी चाहते जो अपना धन जो कमाया था, यदि वो धन यदि सिर्फ अपने उपभोग के लिए ना करते हुए यदि दूसरे के उपभोग के लिए भी करते, धर्म के लिए बांटते, तो वो आदर और सम्मान का विषय हो जाता। खेता भाई आज पूजनीय होते, लेकिन वो धन क्या किया गया, उन्होंने अपने जीवन काल में जितना भोग करना था वो किया, लेकिन सुंदर साथ के नाम में उन्होंने कुछ दिया नहीं। तब जब उनकी मृत्यु हो ही जाती है, तब वहाँ पे एक हाकिम है जो उस राज्य में हुक्म चलाता है। अब जाकर वो खेता भाई के जितने भी धन और दौलत है उसको हड़प लेता है। मिहिरराज जी को मारने की वहाँ पे साजिश चली जाती है, जिसके कारण वो अब पहाड़ी की चोटियों में जाकर उनको छिपना पड़ता है। एक कष्ट है, एक दुख है जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हम जो सुंदर साथ है यदि सत्यता के लिए यदि लड़ते हैं तो हमें क्या क्या करना पड़ता है। मिहिरराज जी हैं, 4 बरस तक वहाँ बिछोड़ के लीला तो हो रही है, अब जाकर वहाँ पे फिर से एक मृत्यु का डर तक और भय का डर तक वहाँ तक आ पहुँचा है और उनको भाग के एक पहाड़ी के गुफा में छुपना पड़ रहा है। जब ये पता चलता है कि अब मेरा कोई बस चलने वाला नहीं, तो वो अब कहाँ पे जाते हैं। जब उससे पीछे फिरे एक मिला आरब, तब वो सोचते हैं कि मैं कहाँ पे जाऊँ। तो उनको यही सुझाव आता है दिल में कि मैं सुल्तान के पास क्यों ना जाऊँ, जब सुल्तान के पास मैं जाऊँगा वो ज़रूर सुनेंगे। तब जाकर वो 2 महीने तक वहाँ पे अर्जी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ के लोग हैं जो वेशभूषा को देखते हैं, वहाँ के लोग हैं जो भाषा को देखते हैं। तो मिहिरराज जी कौन है, एक भारत के निवासी हैं जो अरब के नहीं, उनका भाषा भी गुजराती है, वो जिस प्रकार का पहनावा पहनते हैं वो मुसलमान नहीं दिखते। तब जाकर उनकी बातों को नहीं सुना जाता, उनको धक्का दिया जाता। तब भी वो सद्गुरु के लिए वहाँ पे अब दुख के कारण से तड़प रहे, लेकिन वहाँ वो तड़पते हुए अब किसको याद करते हैं, अपने धनी को याद करते हैं। तब जाकर यहाँ पे एक शख्स दिखाई देते हैं, वो शख्स क्या कहते हैं, हिम्मत करके कहियो जब निकसे सुल्तान।
जब सुल्तान यदि आते हैं तो हिम्मत करके तुम्हें क्या करना है, उसके जो दामन है पीछे का उसको झटकना है, और तुम्हें ये कहना है कि न्याय के दिन में जब अल्लाह ताला तुम्हें और मुझे सामने रख के जो पाप और पुण्य का फैसला करेंगे, उस समय में इसी प्रकार से मैं वो दामन को झटकूंगा और यही अल्लाह ताला से कहूंगा कि मैंने उस समय में भी इनको इसी तरह से दामन झटक कर पुण्य करने के लिए कहा था, लेकिन उस समय में इन्होंने मेरी अर्जी को नहीं सुना था। तो इसीलिए हे सुल्तान, यदि तुम चाहते हो कि ये ना हो तो मेरा जो कर्म है, जो कार्य है, वो पूरा कर दो। तब जाकर वहाँ जो सिपाही होते हैं सुल्तान के आसपास, वो तलवार लेके काटने के लिए तैयार होते हैं। तब सुल्तान जो जुम्मा के नमाज के लिए जा रहे होते हैं वो उनको रोक देते हैं, और वो यही सोचते हैं कि क्या ये जो समय है ये आखिरत का समय तो नहीं है, क्योंकि कोई भी जो धर्म का बात करता है वो इतनी ऊंची बात नहीं करेगा। यहाँ पे जो दर्शन देने वाला और जो सुझाव देने वाला कौन है, वो स्वयं धामधनी। इस प्रकार से कहा गया है कि वो स्वयं धामधनी की शक्ति था जो पीछे दिखने के बाद मिहिर राज जी को दिखाई नहीं दिया। उस समय की बात है जब देवचंद्र जी स्वयं 16 साल के एक छोटे से बालक थे, और पीछे मुड़ के देखने से उनको भी एक दर्शन तो हुआ था, लेकिन बाद में ये पता चला कि वो तो मेरे स्वयं धामधनी थे जिनको मैंने पहचान नहीं कर पाया। उसी प्रकार से आज मेहरराज जी को भी दर्शन हुआ है और उनको भी ये एहसास हुआ कि स्वयं उनको मदद करने वाला स्वयं अक्षरातीत के ही शक्ति। तो इस प्रकार से जब उनको कहा जाता है कि तुम्हारा कार्य होगा, तब जाकर वो घर की ओर चलते हैं। थोड़े समय के बाद उनके सिपाही सामने आते हैं और सामने से ये कहते हैं कि जो जुम्मे के नमाज में जाते हुए सुल्तान की जिसने दामन झटका था वो कौन है। तब जाकर वो कुछ कहते हैं, श्री जी आप खड़े हते कहिया वह सखे हम। तब श्री जी ये कहते हैं कि मैंने ही क्या किया था, दामन को झटका था। यहाँ पे लालदास जी भावपूर्ण होते हुए स्वयं अभी मिहिराज जी को क्या कह रहे हैं, वो श्री जी का उपाधि दे रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं श्री जी कौन है वो पहचानते हैं। मिहिराज जी के अंदर स्वयं प्राणनाथ जी ने जो लीला किया है उसको वक्तव्य करने के लिए वो श्री जी का उपाधि दे रहे हैं। इस प्रकार से अनेकों बार उनको श्री जी और राज जी कहकर पुकारा गया। श्री जी का अर्थ क्या होता है, श्री जो संस्कृत के भाषा में श्रीय सब सेवायाम करके धातु से प्रयोग होता है, यह श्रीण्यते सेव्यते, ये कहा गया है कि जो हर कोई इस जगत के योगी हो, विद्वान हो और पूर्ण चर और अचर हो, जो इस चीज़ का सेवन करता है वही ईश्वर श्री है। तो इस प्रकार से श्री परमात्मा का नाम कहा गया है, इसीलिए उनको श्री जी का उपाधि मिला हुआ है। तो श्री जी अब स्वयं मिहिराज जी अपना हाथ उठा के सत्य कहते हैं कि मैंने ही उनका दामन झटका था। तब जाकर वो सिपाही उनके दोनों बाजुओं को पकड़ते हैं कस के और उनको उस सुल्तान के पास ले जाते हैं। अब सुल्तान वहाँ पे कुछ पूछते हैं कि किस प्रकार से तुम हैं, जो अर्जी किया था क्या इस राज्य में तुम्हारी बातों को नहीं सुना गया। तब वो यह कहते हैं कि जो अर्जी मैंने यहाँ पे करने की कोशिश किया था, मैं मुझे ये पता ही नहीं चला कि अर्जी कहाँ पे करना। यहाँ पे स्वयं मिहिरराज जी झूठ बोल रहे हैं, क्या हमें भी झूठ बोलना चाहिए, क्या मिहिरराज जी क्यों झूठ बोल रहे हैं, मिहिरराज जी का झूठ बोलने का आशय यहाँ पे क्या है। यदि ये हम नहीं समझते तो हम मिहिरराज जी को झूठा कह सकते हैं, लेकिन मिहिरराज जी जो सत्य पे अडिग है, जिसके अंदर स्वयं परमात्मा लीला करने वाले हैं, वो कभी झूठे नहीं हो सकते।
सत्य का भी एक दायरा होता है। सत्य तब तक के लिए ठीक है जब तक दूसरे का नुकसान ना हो, लेकिन यदि सत्य ही दूसरे का नुकसान कर दे, जैसे यदि कोई व्यक्ति या कोई जानवर सत्य के बल में से उनको कोई काटने और मारने के लिए आए, तो हमें क्या करना चाहिए? उस समय के लिए यदि हम असत्य का आश्रय लेंगे तो वो पुण्य का काम होगा। तो इसलिए कहा गया है कि जो सत्य प्रिय हो वो बोलना चाहिए, सत्यम प्रियात प्रियम भूयात, अर्थात सत्य हो तथा प्रिय हो, लेकिन कभी भी जो असत्य हो और प्रिय हो ऐसा शब्द कभी भी हमें बोलना नहीं चाहिए, और झूठा हो और जो दूसरे को अच्छा लगता हो ऐसा भी हमें कभी बोलना नहीं चाहिए। इस प्रकार से हमें शास्त्र से ज्ञान मिलता है। तो इस प्रकार से जब ये चीज़ें हमें मिल चुका है, तब जाकर वहाँ पे ये सुल्तान खुश होते हैं कि ये जो बंदा है वो मेरे राज्य के जो भी कार्यरत कर्मचारी हैं उनको ये क्या करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। इसीलिए उनके हृदय को परखते हुए अब वो यही पूछते हैं कि तेरा काम क्या है, मैं करने के लिए तैयार। यदि वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे कर्मचारी ऐसे थे और तुम्हारी कर्मचारी ने मेरे काम नहीं किया, तो जो हृदय का कुंठित भावना है उससे हो सकता था कि मिहिरराज जी का काम वहाँ पे ना हो, लेकिन वो मिहिरराज हैं जो इंद्रावती सखी उनके अंदर कार्य कर रहे हैं। वो आत्मा है जो स्वयं सत्य और आनंद से भरा हुआ है, इसीलिए वहाँ पे ये लीला चलती है। और आगे क्या होता है? उसी वक्त हुक्म हुआ जाहिर उखाड़ू बुनियाद। तब जाकर यहाँ पे स्वयं सुल्तान एक पत्र लिखते हैं और उनके साथ में एक सिपाही को भेजते हैं। सिपाही अब उस पत्र को लेते हुए और मिहिरराज जी को साथ में लेते हुए उस स्थान तक पहुँचते हैं जहाँ पे खेता भाई का घर और वो व्यवसाय का कारोबार था। वहाँ पे जाने के बाद हाकिम को ये पहुँचाया जाता है और कह दिया जाता है कि यदि तुम इस धन और संपत्ति के हाथ को पकड़े रहोगे तो तुम्हारा जो मूल है वो तहस नहस किया जाएगा। तब जाकर वो हाकिम तुरंत उस चीज़ को छोड़ देता। वहाँ पे अब जो मिहिरराज जी को वो धन मिला, अब वो उनको चिट्ठी के मार्फत स्वयं उस स्थान तक पहुँचाते हैं जहाँ पे धामधनी बैठे हुए हैं। नौतनपुरी का वो स्थान है। अब वहाँ वो कहते हैं कि बिहारी जी और श्यामल जी को वहाँ पे भेजने का प्रयास किया जाता है और थोड़े दिन पे वो भी आ पहुँचते हैं। देखने में जब 40 दिन लग जाता है, उस समय में हाकिम का जो मन में विकार था वो उत्पन्न हो जाता है और वो उस व्यवसाय और उस धन को जला डालता है, जिसके कारण वो जितना बचा कुचा धन है वो बिहारी जी और श्याम जी को मिलता है। यहाँ पे जो धन का विषय की बात आ रही है, धन की तीन गतियाँ होती हैं। धन की तीन गति होती है। प्रथम गति है दान, दूसरा गति है भोग और तीसरा गति है विनाश। तो वो चीज़ें जो हमें इस प्रकार से जो धन के मार्फत हमें मिल रहा है, अब धन किसको कहते हैं? जो धन स्थूल रूप से हमें प्राप्त हो रहा है क्या उसको हम धन कहते हैं, या जो अध्यात्म के द्वारा हमें जो धन मिलता है उसको हम धन कहना चाहें? इस दुनिया में कार्य करने के लिए, इस दुनिया में खाने और पीने के लिए, इस दुनिया में लत्ता कपड़ा लगाने के लिए धन चाहिए, लेकिन उस धन के बदौलत हम क्या क्या कर सकते हैं? उस धन के बदौलत हम अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट कर सकते हैं, हम अपने शरीर को अच्छा दिखा सकते हैं और हम हो सकता है हमारे बीमारी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो आत्म में रोग लगा हुआ है उसको उस स्थूल धन से कोई प्रयोजन नहीं है। वो आत्मा को सिर्फ वो आत्मिक धन चाहिए जिससे वो अपने आत्मा को इस मायावी जगत के जितने भी बीमारी लगी हुई है उसको धो डाले और तब जाकर वो धन मिलता है। हम पहले से ही और पहले दिन से ही इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति
पात्रताम पात्रता धनात आपनोति, पात्र के द्वारा अब जो धन मिल रहा है वो सच्चा धन है। जो पात्र ही ना हो, दिल में वो स्थूल जगत में शुष्क हृदय हो, तब जाकर वो धन नहीं मिलेगा। लेकिन यदि विद्या के द्वारा वो हृदय कोमल हो चुका है, यदि वो भरने के लायक है, तो वो परमात्मा अब वहाँ पे वो धन भेजेंगे और उस धन का बदौलत हम दान दे सकते हैं। स्थूल जो पैसा है, जो खेता भाई के द्वारा दिया गया है, वो किस प्रकार से जल गया, जिस प्रकार से उन्होंने कमाया था उसी प्रकार से उसका गति हो गया। आज वो धन अब धर्म के लिए खर्च नहीं हो पा रहा। इसी आश्रम का उदाहरण मैं दे देता हूँ, इसी आश्रम हो या दूसरे आश्रमों पे, हो सकता है जो पैसा बचाना चाहते हैं, जो ब्लैक मनी बचाना चाहते हैं, वो फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं करोड़ों का पैसा मैं दूंगा, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि करोड़ों का पैसा तुम्हें थोड़ा सा रखना है और करोड़ों का पैसा मुझे वापस कर देना है। जब ऐसे पैसा यदि हम लेंगे तो ये क्या संस्था बचेगी, क्या धर्म का कार्य हो सकेगा? लेकिन आज सिर्फ उतने पैसे के लिए आज धर्म का कार्य रुक रहा है। आज समाज के जो महान महान व्यक्तित्व भी हैं, उसी पैसे में आज लड़े और गिर के मर रहे हैं। तो इस प्रकार से उस धन को हमें कभी नहीं अपनाना चाहिए जो अच्छे गति से नहीं कमाया गया हो, और जो पात्र के द्वारा ही कमाया गया धन हो उसी को लेना चाहिए। तो इस प्रकार से अब जो धन के बदौलत यहाँ पे जो बिहार जी और श्याम जी को जो पैसा भेजा जाता है, अब वो क्या करते हैं? श्याम जी और बिहारी जी स्वयं मिहिरराज जी से तंग आ चुके। श्री धनी श्री देवचंद्र जी वो नजली पुत्र होने के कारण प्यार करते हैं, उनको पूर्णतया से वो अपना पुत्र मानते हैं और अपना आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहते हैं। लेकिन स्वयं नजरी जो पुत्र हैं, जो बिहारी जी हैं नस्ली पुत्र, लेकिन वो उनको कोई कुछ ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, वो ले भी नहीं पा रहे। तो इस कारण से जो महत्ता वहाँ पे बढ़ गई है मिहिरराज जी का, वहाँ पे बिहारी जी और श्याम जी वहाँ पे जलन करते हैं इस कारण से। अब किस प्रकार में मिहिरराज जी को नीचे गिराओ वो यही सोचते हैं। तो अब जो पैसा मिला भी है उसको छिपाया जाता है, उस धन को अपने खर्च में वो खर्च किया जाता है। तब जाकर धनी श्री देवचंद्र जी के पास आने के बाद अब वो यही कहते हैं कि मिहिरराज जी ने हमें आने तक का भी पैसा नहीं दिया। वो इतना झूठ तक कह देते हैं कि जिसके कारण धनी श्री देवचंद्र जी की जो नज़र है उनके प्रति गिर जाए। लेकिन वो श्यामा जी हैं, उनके अंदर स्वयं धाम धनी बैठे हैं, उसके हाथों में जो डोरी है और उसके नज़र में कुछ भी छिपा नहीं रहता है। तो किस प्रकार से वो झूठ भी कहे तो फिर भी धनी को पता है। तो इसीलिए मिहिरराज जी के जो सत्यता है उसको लेते हुए अब वो ये नहीं मानने के लिए तैयार है। लेकिन जो वहाँ पे विश्वास नहीं करते वो कौन है? वो बालबाई है जो ये कहती थी कि इनको बचाओ, वो बालबाई है जो इनको कहती थी कि इस संसार के माया पे लगाओ, जिसके कारण से वो गुजरात गए, जिसके कारण से वो खेता भाई के पैसा लेने के ले गए। 4 साल तक वो कष्ट झेला, उनको क्या क्या करना पड़ा ये तक बालबाई को पता नहीं है। लेकिन वही बालबाई है जो आज बिहारी जी के बातों पे आ जाते हैं। जब बिहारी जी के बातों में आती है तो वो एक लीला करती है, क्या कार्य करती है? अपना काम काज सब किया छोड़ने का उदम। जो मिहिरराज जी हैं, ये जो प्रसंग आया है वो बहुत बात के विषय का है। यहाँ पे अभी तो सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, वो आने का प्रयास ही कर रहे हैं, वहाँ से धन इकट्ठा करने के बाद अब वो वापस लौट रहे हैं। लेकिन बालबाई जी को जो सूचना मिले है उनके कारण अब उनको भी स्वयं मिहिरराज जी के ऊपर द्वेष का भावना जग जाती है, जिसके कारण वो ये नहीं सोचते कि जो धन और जो मिहिरराज जी हैं, जो धनी के प्रति इतना समर्पित है, वो आज
वो धन लाकर अपने ही सुंदर साथ के लिए प्रयोग करेंगे। लेकिन अब वो जाकर जामनगर के राजा के पास जाती है और ये कहती है कि हे राजन, जो पैसा वो हड़प के ला रहा है वो मेरा भाई का है, यदि आप चाहो तो वो धन को रख सकते हो और यदि चाहो तो हमें भी दे सकते हो। लेकिन वो राजन है और वो राजा और लोभी होते हैं। जो राजा है वो लोभी क्यों होते हैं? इस प्रकार से एक कहानी आती है, जो साधु है वो तो ध्यान और तपस्या में लगा ही रहता है, समाधि की अवस्था में वो परमात्मा को देखने की कोशिश करता है, लेकिन अब जाकर वहाँ पे उनको राजन एक है उस देश में जो चाहते हैं कि मैं अपने साधु को कुछ पैसा दूं और वो कभी गुफा में रहना ना पड़े। एक राजन अब उनको एक दो ठेला पैसा पहुंचाने के लिए मंत्री को कह देते हैं। मंत्री जाते हैं, मंत्री उनको पैसा देते हैं और कहते हैं बाबा जी पैसा ले लो। और पैसा लेने के बाद वो कहते हैं कि और चाहिए तो बताना। लेकिन बाबा जी थोड़ा पैसा देखते हैं और वो पैसे को उनको वापस करते हैं और कहते हैं और गरीब को दे दो जो गरीब तुम्हें मिलता है। लेकिन वो मंत्री कहते हैं कि इस गांव में, इस शहर में और इस नगर पे आप ही एक गरीब हो, आपके पास कुछ नहीं, बर्तन नहीं, खाने के लिए भी नहीं है, तो आपको ही राजन ने कहा है कि पैसा दे दो। लेकिन फिर भी वो कहते हैं, मना करते हैं। तो मंत्री यही सोचता है कि इनको और चाहिए। तब जाकर एक बाकस वो क्या लाते हैं, सोने के पूर्णतया से वो असरफिया लाते हैं और उस साधु को देते हैं। फिर से वो साधु यही कहते हैं कि गरीब को दे दो। लेकिन अब राजन को ये लगने लगा कि इसके पास सोने बनाने वाला यंत्र है, इसीलिए ये मुझे, ये जो मैं पैसा दे रहा हूँ ये नहीं ले रहा। तो राजन अब स्वयं जाते हैं और वहाँ पे नीचे झुकते हैं और कहते हैं कि मुझे वो स्वर्ण बनाने का जो चीज़ है वो दे दो। तब साधु कहते हैं ठीक है। अब जाकर वो क्या करते हैं, वो राजन को एक जगह पे ले जाने के लिए प्रयास करते हैं और शत्रु को मारने के लिए सैनिक तैयार करने के लिए कहते हैं। तब जाकर वो सैनिक भी लाते हैं और मंत्री को उनको दिखाते हैं, देखो राजन जो मैंने कहा था, मैं तुम्हें लगता है कि मैं सबसे गरीब हूँ, लेकिन ये जो राजन है जिसके पास इतना ढेर सारा पैसा है, लेकिन ये आज एक असरफी पाने के लिए, जो दूसरे चीज़ों को सोना बना सकता है उस चीज़ को पाने के लिए वो क्या करने के लिए तैयार हो गया। तो एक राजा है जिसके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है, और जो एक साधु है उसके पास कुछ ना होकर भी उसके पास सब कुछ होता है। तो वही चीज़ है, बाल भाई को ये चीज़ समझ में नहीं आए और वो राजन को अब जाकर कह दिया। तो राजन जो राजा है वो अब मिहिरराज जी आने के बाद वो पकड़ लेते हैं और वो कारागार में उनको बंद कर दिया जाता है। लेकिन उनके जो व्यक्तित्व देखकर और उनके जो कारागारी को देखकर, जो बही खाता को देखने के बाद ये पता चलता है कि वो निश्चल है और उन्होंने जो कार्य किया था वो ठीक है। तब जाकर उनको वहाँ से बाहर निकाला जाता है। और अब फिर से एक घटना होती है, भात भात बिलिखवा घर के बीच में आप, यहाँ पे जो बात और जो प्रसंग चल रही है, अब हम यहाँ पे सुने कि किस प्रकार से बाल भाई जी अब स्वयं धाम धनी को यहाँ पे दबाव दे सकते है। तो धाम धनी स्वयं उस परम धाम के हैं, वो उस श्यामा जी के भी उस मासूक कहा जाते हैं और वो भी आशिक कहे जाते हैं। वो इस परम धाम से इस धरती पे आए और इस धरती में उस ब्रह्म आत्माओं को जगाने के लिए कितना प्रयास किया। आज उन्होंने गांगजी भाई के परिवार में बाल भाई जी को भी तारतम दिया, लेकिन वही बाल भाई जी है जो मिहिरराज जी के साथ 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 में तारतम ज्ञान लेती थी, ज्ञान की चर्चा सुनती थी। लेकिन आज द्वेष का आग इतना बढ़ गया कि खुद के सुंदर साथ के प्रति भी वो प्रेम भाव नहीं रहा। तब जाकर वो ये दबाव देती है कि यदि आप उस मिहिरराज जी के प्रणाम को स्वीकार करती हो, करते हो, तो मैं स्वयं बाल भाई
कुएं पे जाकर मर जाऊं। तब जाकर धनी श्री देवचंद्र जी पर्दा ओढ़ते हैं और जो स्वयं मिहिरराज जी हैं आने के बाद उनका प्रणाम को स्वीकार नहीं किया जाता। सद्गुरु कौन है? सद्गुरु श्याम जी है। ऐसे करके वाणी पे आया हुआ है, सद्गुरु मेरे श्याम जी। श्याम जी कौन है? स्वयं जो अत्यंत सुंदर वर्ण के, कंचन रंग के हैं और वो अनंत गुना इस सूर्य से भी तेज रखते हैं, वो श्याम है जो परमात्मा है और वही मेरे सद्गुरु हैं। आज वो सद्गुरु जो वहाँ पे हृदय के अंदर बैठा हुआ है, वो कोई लीला करना चाहते हैं। भले ही आज मिहिरराज जी को ये पता नहीं, भले ही बाल भाई को भी ये पता नहीं और धनी श्री देवचंद्र जी को भी ये दबाव मिल रहा है, लेकिन वो आंतरिक रूप से कुछ लीला कर रहे हैं। आज बाल भाई की को जो चरित्र है वो दिखा पड़ रहा है, इसीलिए क्योंकि वो चाहती है कि मैं धनी के नज़र पे ना गिरूं। सुंदर साथ और हम धाम धनी यही कहते हैं, दुख रे प्यारे मेरे प्राण को सो क्यों छोड़े में कर जाए। जो सुंदर साथ होंगे वो तो दुख को ही लेंगे, लेकिन जो सुंदर साथ के नाम पे सिर्फ सुंदर साथ रह जाएंगे, वो दुख को छोड़ के वो सुख लेना चाहेंगे और सुख के बदौलत दूसरे से प्रतिष्ठा चाहेंगे। मार प्रतिष्ठा पैजारो जो दगा देत बीच ध्यान। यदि ये कह रहे वाणी पे, जो ध्यान के बीच और परमात्मा के बीच यदि कोई प्रतिष्ठा का बाधा आता है, कोई माया की बाधा आती है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको हटा देना चाहिए उसी समय। तब जाकर जो हमारा हृदय है वो निर्मल होगा, और तब जाकर जो हृदय निर्मल होगा तब जाकर उस हृदय मंदिर पर परमात्मा आकर बैठ सकते हैं। लेकिन जो बाल भाई की जो करतूत है, यदि वो करतूत से यदि धनी श्री देवचंद्र जी वहाँ पे आ जाते तो ये अनर्थ हो जाता। लेकिन उस धाम धनी को सब कुछ पता है, इसीलिए वो लीला होने दे रहे। आज मिहिरराज जी अब रोते हैं, वो बिलखते हैं और वो तड़पते हैं। वो चाहते हैं कि सद्गुरु मुझे स्वयं बुलाए, चाहते हैं इतने चार चार साल के बाद आने के बाद भी उन्होंने मुझे एक बात भी नहीं किया। और जब वो सामने पहुँचे तो उन्होंने अपना मुंह ढक लिया। तो इस प्रकार से जो विरह करते हैं वो दो साल तक अपने भाई के घर पर रहकर होता है, लेकिन जब भाई के घर पे रहा जाता है तो वहाँ पे कुछ कठोर वचन उनके भाई जी के वो पत्नी कहती है, जो यहाँ पे कहा जाएगा। एक दिन भौजाई के वचन ताने के जोर। तो इस प्रकार से अब स्वयं अपने भाई के जो पत्नी है वो आकर ये कहती है कि क्या तुम्हें दो साल हो चुके हैं, ना तुम काम करते हो, सिर्फ खाते रहते हो और तुम अपने सद्गुरु के पास भी नहीं जाते, तो तुम इस घर पे किस प्रकार से रह रहे हो? जो इस प्रकार के वचन कह दे, वचन क्या है? वो तलवार से भी एक धारीला औजार है जो हृदय तक चोट कर सकते हैं। आज भले शस्त्र में युद्ध करने वाले व्यक्ति हो, उनके शस्त्र के द्वारा हाथ कटते हो, लेकिन वो हाथ ठीक हो जाएगा। यदि वो घाव में मलम लगा दिया जाए तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन वचन का जो घाव है वो वचन का घाव बहुत गहराई तक जाती है और उसको मिटने के लिए बहुत समय लगता है। आज मिहिरराज जी को भी वही चोट लगा है। वचन ऐसे बोलिए जो मन की आपा खोए, खुद भी शीतल होए और दूसरे को भी शीतल करे। कबीर जी इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो वचन होना चाहिए वो कभी भी दूसरे को, हृदय को नुकसान करने के नहीं, बल्कि जो उनके हृदय के अंदर शीतलता पैदा करें। शीतलता का मतलब ये है कि जो ज्ञान की वृद्धि करे, उस ज्ञान से उस माया भी अंधकार से वो बाहर निकले, तब जाकर हृदय शांत हो सकता है। आज हम जो बातें करते हैं, जो वचन कहते हैं दूसरे को, वो दूसरे को खुश करने के लिए तो हर कोई कहता है,
लेकिन वो खुशी में से थोड़े देर के बाद उनके हृदय में वो शांति नहीं रहती, उनके हृदय में और उनके उस चेहरे पे वो मुस्कान नहीं रह जाती। लेकिन अब ये जो वचन है वो क्या करेगी? वचन स्वयं तारतम वाणी को भी कहा जाता है, वो वाणी है जो तारतम है और वो तारतम है जो उस परमात्मा से तारतम्य जोड़ेगा जो यहाँ से उस आत्म से उस परमात्मा तक है। तो इसीलिए उसको भी वचन कहा गया है जो स्वयं धामधनी का वचन है। तो उस वचन को यदि हमारे हृदय पर लगाते हैं तो हम स्वयं इस जगत से लेकर उस जगत अर्थात परलोक तक जा सकते हैं। तो ये वचन हमें ध्यान देकर बोलना चाहिए, जिसके कारण आज मिहिरराज जी अपघात होने के बाद वो वहाँ से निकलने के लिए सोचते हैं और उस घर से वो निकल जाते हैं। परिवार से अब संबंध टूट गया, अब जाकर वो धरोल के राजा के पास जाते हैं और मंत्री पद का एक चयन करने के बाद वो अब कार्य करने लगते हैं। थोड़े दिन के बाद जो कार्य होता है 2 साल तक वहाँ पे चल रहा है, उस प्रकार से वहाँ जो कार्य हो रहा है 8 महीने के बाद उनको गुजरात में बिताना पड़ता है, जहाँ पे उनको कर देने के लिए मुस्लिम राजाओं को सूर के ऊपर उनको झुकना पड़ता है। तब जाकर उनको अपने हृदय पे ये बात चुभती है कि क्यों ना मैं अपने सद्गुरु को ही चरण कमल पे अपना सिर झुका दूँ, क्यों मैं इन मुस्लिम राजाओं के चरण कमल पे मैं सिर झुका रहा हूँ। तब जाकर यहाँ पे धामधनी के हृदय से अब एक पुकार निकलती है, अब मोसो दुनिया का होए नहीं व्यवहार। तब स्वयं मिहिरराज जी ये कह रहे हैं कि जो कार्य आज दिन तक मैं कर रहा हूँ वो कौन सा कार्य था? ये संसार का कार्य है जो मुझे इसी संसार में डुबाएगा और इसी संसार में लय कर देगा। लेकिन वो ही है जो मिहिरराज जी के अंदर अब प्राणनाथ जी कार्य करने के लिए ले जाने वाले हैं। इसलिए अब उनके हृदय पे ये ज्ञान उभार करती है कि अब मुझे इस संसार का कार्य को छोड़ देना चाहिए। मैं जो सदगुरु से रूठ के आया हूँ वो सदगुरु तो स्वयं धामधनी है, और जिसके लिए मैं इतना तड़प रहा हूँ क्यों ना मैं उनके पास चला जाऊँ। तब जाकर उनसे पहले ही यहाँ पे जो इतने साल तक वो जो विरह का लीला चला था, विरह गत्रे जाने सोई जो मिलकी बिछुड़े हुए, वही ब्रह्म सृष्टियाँ वो विरह कर सकती हैं जो परम धाम से आई हुई है, जो परमात्मा से मिली हुई है, और तब जाकर जो स्वयं धामधनी से प्रेम करते हैं, यदि उनसे यदि वो नहीं मिले और उनसे तड़पने की बात करती है तो वो हंसी का पात्र हो जाता है। दुख से विरह उपजे, और जब तक दुख नहीं उनको मिलता तब तक ये विरह का नाटक भी हम नहीं दिखावा नहीं कर सकते। जब तक इस संसार से दूर होके, जब तक धनी से दूर होने का दुख हमारे हृदय पे नहीं आता, हमारे हृदय शुष्क भांति भले ही हम ज्ञान देते रहे लेकिन वो दुख हमारे हृदय पे आने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से धाम धनी के बदौलत आज मिहिरराज जी ने ये सोच लिया कि मुझे भी अब इस संसार के कार्य को धीरे धीरे त्यागते हुए अब मुझे स्वयं सद्गुरु के पास जाना चाहिए। इसलिए वो अपने मंत्री को ये कह देते हैं कि मैं अपने इस जागीर को छोड़ना चाहता हूँ। तब वो यही कहते हैं जो आपको उचित लगे वो करें, और अपने जो एक आदमी है उसको निश्चित करके आप चले जाइए। तब वहाँ पे कुछ और घटना होती है। इन समय श्री देवचंद्र जी की फिरी सूरत निज धाम। तो उस समय की बात है जब अब अंतर्धान की लीला यहाँ पे होने वाली है। स्वयं देवचंद्र जी हैं, वो भी इसी मनुष्य तन के अंदर आए हुए हैं। श्यामा जी की आत्मा भले ही इतना कार्य कर चुकी है, 40 बरस की उम्र में धामधनी उनके हृदय पे प्रवेश कर चुके, अब धीरे धीरे करते हुए जो जागनी का जो कार्य चल रहा था 4th दिन में, उन्होंने इतना कार्य दर बदर भटकते हुए भी उस नौतनपुरी धाम में अपने आत्माओं को लाने का पूर्ण प्रयास किया।
गांगजी भाई हैं साथ में और अनेकों आत्माएं 313 आत्माओं को उन्होंने जागृत करने का प्रयास किया है। भले ही उन्होंने चमत्कार दिखा के हो, भले ही उन्होंने रास और ब्रज की बातें कहकर हो, लेकिन उन्होंने वो कार्य करने से ही आज आत्माएं जागृत हुई। लेकिन अब समय के अंतराल में उनका भी शरीर है जो भले ही परमात्मा आकर रह रहे हो, लेकिन परमात्मा ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो नियम स्वयं उन्होंने बनाया है वो नियम वो तोड़े। उस परमात्मा को हम क्या कहते हैं? उस परमात्मा को हम न्यायकारी कहते हैं। उस परमात्मा को न्यायकारी इसीलिए कहा जाता है कि वो न्याय करता है और न्याय करने से वो न्यायकारी है। यदि वो ही अपना नियम को तोड़े तो उनको न्यायकारी कहना उचित नहीं है। तो इसीलिए वो शक्ति के बदौलत धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर प्रवेश किए, उन्होंने कार्य किया, आज अंतर्धान की लीला होने वाली है। तब जाकर उनके जो हृदय की आत्मा है वो कहाँ तक देखती है? वो अपने परातम को देख रही है, वो अपने धाम धनी को देख रही है, वो पूर्णतया परम धाम से जुड़ रही है। तब जाकर यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनका सुरता अब धाम की ओर जा रहे। तब मिहिरराज जी ने जो अपने मन में संकल्प कर लिया है, अब वो संकल्प लेते हुए वो अपना कार्य कर रहे हैं। और आगे यहाँ पे कोई वहाँ पे जाते हैं, आई बाल भाई बुलाओ ने तिनको दिया जवाब। तब वहाँ पे प्रथम बार बालबाई जी आ जाते हैं बुलाने के लिए। बालबाई जी यही कहते हैं कि देवचंद्र जी आपको याद कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि वहाँ पे धनी श्री देवचंद्र जी का अंतर्धान का लीला होने वाला है, वो धाम नहीं जा पा रहे, वो कुछ भी नहीं कहते। बस वो इतना कहकर वो चल देती है। बाद में बिहारी जी आते हैं, बिहारी जी भी ऐसे ही हैं, वो भी यही कहते हैं कि मेरे जो पिताश्री हैं उनको अंबर कस्तूरी चाहिए और उनको थोड़ा सा वो बीमार हैं। जब मिहिरराज जी ये कहते हैं कि मैं आने वाला हूँ, तो वो कहते हैं ज़रूरी नहीं कि आप आए, सिर्फ इतना कर दीजिए कि मुझे दवाई दे दीजिए, इतना काम होने के बाद वो भी चले जाते हैं। लेकिन अब बिहारी जी को फिर से कहा जाता है तो वो क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जो जिसको इतने बार बुलाने के बाद भी नहीं आते, उनको बार बार क्यों बुला रहे? तब जाकर अब अंतिम बार बालबाई जाती है। बालबाई यही कहती हैं कि क्या तुम्हें धामधनी का चिंता नहीं है? क्या धामधनी जो धाम गमन होने वाले हैं तुम्हें आना नहीं चाहिए? तब जाकर मिहिरराज जी को बहुत दुख लगता है। यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य चीज है, स्वयं छुड़ाने वाले कौन है? यहाँ पे एक लीला हुई थी बालबाई, जिसने स्वयं छुड़ाने का प्रयास किया, जिसके कारण इतना विरह की स्थिति पैदा हुई। अब आकर मिलाने वाला कौन? स्वयं बालबाई है जो मिला भी रही है। धामधनी ये लीला करके दिखा रहे हैं, यदि तुम इस प्रकार से मुझे दमन कर सकती हो तो मैं लीला बस तुम्हें भी जाकर वो कार्य करा सकते हैं। तो इस प्रकार से बालबाई को वहाँ पहुँचाने के बाद अब मिहिरराज जी जब धामधनी के विषय में ये सुनते हैं तुरंत वापस आ जाते हैं। वहाँ के आने के बाद अब देवचंद्र जी क्या कहते हैं? संबत 1712 श्रावण वादी अष्टमी। तो समय अब 1712 का है, श्रावण का महीना चल रहा है। उस समय की बात है जब धनी श्री देवचंद्र जी ने मिहिरराज जी को बुलाया। अब वो सब कुछ छोड़ के आ गए हैं। धनी श्री देवचंद्र जी लेटे हुए हैं बिस्तर पे, वो बीमार है। और अब जाकर धीरे से मिहिरराज जी अपने सिर को उनके चरण कमल पर छू लेते। तब जाकर वहाँ पे देवचंद्र जी कहते हैं कि कौन है? तब वो कहते हैं धामधनी मैं इंद्रावती आत्म हूँ। तब वो खुश होते हुए वो जगते हैं और उन्हें वो जो हाथ है बरद हस्त है उनके सिर पर रखते हैं। मिहिरराज जी हैं, इतने दिनों से वो तड़प रहे हैं, वो जो बिहारी जी के द्वारा इतना प्रताड़ित करने के बाद भी नहीं रहे होंगे, बालबाई जी के द्वारा इतने चीज़ कहने के बाद भी नहीं रहे होंगे, लेकिन
ये प्यार है जो उनके हृदय से वो आंसू बहा रहे। अब जाकर वहाँ पे उनका मिलन होता है। वो किस प्रकार से अब ज्ञान की बातें करते हैं आगे यहाँ पे कहते हैं। जो इंद्रावती ठाणी रोवती देखी ऊपर बुनियाद। जो इंद्रावती ठाड़ी रोवती, और वो कहाँ पे रो रहे। धनी से देवचंद्र जी कहते हैं कि वो दरवाजा के सामने आप रो रही थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बुलाया। क्या परमधाम में दरवाजा है, क्या परमधाम में दरवाजा है, इसीलिए वो इंद्रावती सखी परमधाम के दरवाजे आज तक आने के बाद वो रो रही है। हम जब ध्यान के अवस्था में भी या सागर और श्रृंगार भी पढ़ते हैं तब हम क्या करते हैं, हम यही कहते हैं कि योग माया के ब्रह्मांड को पार करने के बाद, वन की जो रोष है उसको पार करने के बाद, जो बड़ो वन मधुबन जो बाद में आएगी, लेकिन शुरुआत में सर्वरस सागर का वो आठों सागर और आठों जिमी को पार करते हुए, उन चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे दरवाज़ा कहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहाँ धामधनी कह रहे हैं इत बैठो और मैं तुम्हें क्या दिखाऊंगा। धामधनी स्वयं कहते हैं कि तुम्हें जो माया का खेल देखना है तुम मुझे तले आकर चरण पे बैठो और मेरे इस हरामसी के खेल को मेरी आंखों पे देखो, तब जाकर इस मायावी खेल का प्रारंभ हुआ था। लेकिन जो दरवाज़ा यहाँ पे कहा जा रहा है वो दरवाज़ा क्या है, वो स्वयं धामधनी का हृदय है, जहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो मिहिरराज जी के तन के अंदर इंद्रावती की आत्मा है वो दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा है, अर्थात वो हृदय उस फरामोशी से दूर हो नहीं पा रहे, वो उस फरामोशी से उस धनी से जुड़ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण से आज स्वयं धामधनी उनके हृदय के अंदर नहीं बैठ पा रहे हैं। इसीलिए अब उसका खुलासा करने के लिए धामधनी अब मिहिरराज जी को यहाँ पे बुला के उस धाम दरवाजे को खोलने के लिए प्रयास करते हैं। आगे क्या होता है। फिर थाल प्रसाद सो भराई के धराया आगे आन। तब धामधनी यही कहते हैं कि जब तुम आ ही गए हो तो अब क्या तुम संसारिक कार्य करोगे या तुम अध्यात्म पथ में जाके अब निजानंद मार्ग को आगे बढ़ाओ। तब जाकर मिहिरराज जी यही कहते हैं कि मैं अब निजानंद मार्ग में चलने के लिए तैयार हूँ। अब उनको एक थाली पे खाना परोसा जाता है, तब वो यही कहते हैं कि बिहारी जी को भी बुलाया जाए और साथ में हम खाएं। लेकिन बिहारी जी मानने वाले में से नहीं है, बिहारी जी अब उनको मना कर देते हैं और क्या कहते हैं। श्री जी ने फिर कहिया अर्ज तल ही हुकम। वो फिर से कहते हैं कि भले ही उन्होंने मना किया है लेकिन परमधाम की आत्मा है, इसीलिए वो चाहते हैं कि दोनों एक साथ बैठकर जागने की लीला प्रारंभ करें। लेकिन वहाँ पे बिहारी जी हैं जो आत्मा है और मिहिरराज जी के अंदर इंद्रावती सखी आत्मा है, दोनों कहाँ से आई हैं। उसी परमधाम से आई है जिन्होंने ये वादा किया था कि तुम बोलो तो मैं जगाऊंगे, और उन्होंने ये धनी से ये भी कहा था कि 100 बार देखो अजमा के, भले 100 बार अजमा के देख लेना लेकिन आपके जो चरण कमल है उसको भी नहीं छोड़ने वाले, और जो ब्रह्म आत्माएं हैं उनको भी हम छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन स्वयं बिहारी जी साथ में है, स्वयं मिहिरराज जी वहाँ पे साथ पे है। लेकिन वो लीला देखिए हंसी का खेल, जहाँ पे साथ में होने के बाद भी वहाँ पे एक थाली में खाने के लिए वो तैयार नहीं। तो इस प्रकार का जो लीला यहाँ पे दिखाया गया कि हाँ राज जी ने जो कहा था वही सत्य था, तुम उस दुनिया से आने के बाद इस दुनिया में क्या होगा, तुम बिछड़ जाओगे, तुम्हें ये तक पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा ब्रह्म आत्माएं कौन है, तुम्हें ये तक पता नहीं चलेगा कि तुम कौन, और तुम्हें ये तक पता नहीं चलेगा कि तुम्हें जो यहाँ पे भेजने वाला है वो कौन, और तुम्हारा घर क्या है। तब जाकर यहाँ पे ऐसे इस प्रकार के लीला होती है। अब आगे बढ़ते हुए क्या होता है। इन सब यहाँ दिन 22 रहे साथ मीने। तो इस प्रकार से 22 दिन तक धनी श्री देवचंद्र जी अब मिहिरराज जी के अंदर बैठने के लिए तैयार हो रहे हैं।
उनके स्थान को तैयार किया जा रहा है कि किस प्रकार से पांचवें दिन के उस दिन में आपको किस प्रकार जागने की लीला करना है, शाकुंडल और शाकुमार की आत्मा को किस प्रकार से जगाना है। तो ये सब बातें वो कहते हुए 22 दिन के बाद उनके जो धाम गमन होने के बाद अब क्या क्या होता है वो कल के दिनों पे हम बताएंगे। लेकिन जो बातें यहाँ पे हुए, जो लीलाएं यहाँ पे हुए और जिस प्रकार से मिहिराज जी के तन के अंदर जो बैठकर लीला करने वाले हैं, जिस प्रकार से वो वाणी का अवतरण करने वाले हैं, तो हमें सुंदर साथ होने के नाते किस प्रकार से उस ज्ञान को धारण करके चलना चाहिए, किस प्रकार से मिहिराज जी के जीवनी को हमें लेते हुए उनके पथ पर चलना चाहिए, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इस चीज़ों को ही हम भी आगे बढ़ें और ब्रह्म आत्मा होने का हम भी दावा करें, यही कहते हुए आज का वाणी यही विराम करते हैं और हम चौपाई दोहराएंगे। इन समय यहाँ दिन 22, इन समय यहाँ दिन 22, रहे साथ मीने, रहे साथ मीले, फिर नजर करी धाम को, फिर नजर करी धाम को, साथ छोड़े न समय, साथ छोड़े न समय, साथ छोड़े न समय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की।